साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती हैं, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती हैं। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। इनकी राजनीति सिर्फ इस बात पर केंद्रित होती है, एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। इसके लिए ये लोग समाज को बांटने की साजिश रखते हैं। जनता का विकास में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। पिछड़ेपन, समाज पीछे रहे उसी में उनका भला देखते हैं। साथियों, परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। परिवारवाद उनके हर सपनों को कुचलता है, उनके लिए हर दरवाजे बंद करता है। इसलिए आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी है, उनका अस्त हुआ है, वहां वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। अब इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेलंगाना के मेरे प्यारे भाई और बहनों की है, तेलंगाना की जनता की है।